फॉर द फर्स्ट टाइम लद्दाख एजुकेशन फेयर 2022 हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लद्दाख में. सिक्स कॉलेजेस में इट्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. नुब्रा, ईजीएम ले, डीटीसी कारगिल, सांगू कैंपस, द्रास एंड जांस्कर. आइडिया है कि सारे यूथ्स को हम वो सब इंफॉर्मेशन दें, उनको फैसिलिटेशन करें विच इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन एंड करियर गाइडेंस. सो सब्जेक्ट काउंसलिंग, वी आर इन्वाइटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th अलॉन्ग विद द टीचर्स, ताकि स्टूडेंट्स को हम सब्जेक्ट चॉइस के बारे में काउंसिल करें. देन जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस के हैं उनको वी वॉन्टेड टू काउंसिल देम अबाउट करियर गाइडेंस, आगे कौन सा करियर ले सकते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप, अप्रेंटिसशिप, स्किल, ये थ्री फोकसेस हैं. एंड देन ऑफकोर्स स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप के बारे में हम सारे चाह रहे हैं सारे यूथ और स्टूडेंट्स को पता चले कौन से स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं. सो एक बहुत ही वाइब्रेंट फेयर वी आर लुकिंग एट, एंड जहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स और यूथ टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड. हमने एक्स सर्विसमैन को भी इन्वाइट किया है क्योंकि उनके लिए भी एक स्किल डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सेक्टर स्किल काउंसिल, सिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल्स आर पार्टिसिपेटिंग. सो वो लोग इन वेन्यूज पर, दे कुड नॉट गो टू ऑल द वेन्यूज, सो ले एंड कारगिल के मेन कॉलेजेस में दे आर गोइंग. तो वहाँ पर वो डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कौन कौन से स्किल्स यूजफुल है पर्टेनिंग टू देयर सेक्टर स्किल्स. सो स्टूडेंट जिस स्किल में इंटरेस्ट दिखाएंगे उसके बेसिस पे हम लोग कॉलेजेस में सब्सिक्वेंटली स्किल ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे. ITIs एंड पॉलिटेक्निक्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग. ब्रॉडली दिस इज द टारगेट दैट वी आर लुकिंग एट. और हमारे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हमने बुलाया, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो रिनाउंड डॉक्टर्स हैं, आर्म फोर्सेस से भी हैव कॉल्ड रिसोर्स पर्सन, ताकि वो बताए आर्म फोर्सेस में क्या करियर ऑप्शंस हैं, कैसे अप्लाई करना है अगर आर्म फोर्सेस में आप जाना चाहते हैं एज एन ऑफिसर. सो वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल सेक्टर्स इंक्लूडिंग टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, जर्नलिज्म. सो इन सब पे सेशंस होगा फॉर द ईयर. So in this, like it will be on invitation basis, or any other youth can come and it's join. Open. It's open. हम लोगों ने advertisement भी दिया हुआ है papers में, radio में भी हम लोग announcement कर रहे हैं. It is open. अगर it has been missed out, I think through all of our media colleagues, I'd like to say कि it is open for everyone. Everyone should come. हम लोग चाह रहे हैं जो school के students भी हैं, their parents should also come. क्योंकि कई बार decisions, subject choices का या career का स्टूडेंट्स अकेले नहीं लेते हैं, दे टेक इट इन कंसल्टेशन विद द पेरेंट्स. सो हम लोग चाह रहे हैं कि पेरेंट्स भी इस टू डेज का जो लद्दाख एजुकेशन फेयर है उसमें आए और जाने क्या क्या ऑप्शंस हैं, ताकि हम ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को ही ना फॉलो करें कि जो आप लोगों को लगता है सेफ सब्जेक्ट है. लेट्स लुक एट व्हाट आर द सब्जेक्ट अपॉर्चुनिटीज, सब्जेक्ट ऑप्शंस ऑफर्ड इन कॉलेजेस, इन यूनिवर्सिटीज फॉर हायर एजुकेशन. रिसर्च ऐसे है, रिसर्च एंड फील्ड ऑफ एजुकेशन, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड करियर ऑप्शन. तो हम लोग का पूरा एक सेशन रिसर्च एंड साइंस पर है. एस्ट्रोफिजिक्स, वी हैव इनवाइटेड एस्ट्रोफिजिक्स दुर्जा, जो हमें इसरो के जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर ताशी, ही विल बी जॉइनिंग. सेकमोल से सोनम अंगचुकले, हु इज एन इनोवेटर एंड एजुकेशनिस्ट, ही हैज बीन इनवाइटेड. डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, बिकॉज सिविल सर्विसेज भी एक करियर ऑप्शन रहता है जो यूथ एस्पायर करता है. सो वी हैव सम सिविल सर्वेंट्स ऑल्सो विल टॉक अबाउट करियर इन सिविल सर्विसेज, कैसे करें तैयारी, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दे शुड टेक. So it will be a more of a whole day session. There are two full day sessions. और जहाँ जहाँ पे हमें स्पीकर ज्यादा है और बच्चे ज्यादा है वहाँ पे हम लोग पैरल सेशन कर रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर 11th 12th के बच्चे जो कल आ रहे हैं फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अदर स्कूल्स, वी हैव इनवाइटेड 11th एंड 12th के बच्चे, सो उनके पास ऑप्शन है चार पैरल सेशन में जाने का. एक सेशन perhaps would be only about, you know, subject choices. One session would be about career choices. चार पांच करियर जो सिमिलर है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की बात करें, we are inviting filmmakers, we are inviting journalists, we are inviting RJs, radio RJs. So उनका एक panel discussion होगा जहाँ पे students के नास्ते हैं जो creative students हैं, अगर कोई चाहते हैं youth की media में जाना चाहे, so उनको guidance मिल सकती है वहाँ से. They can look at the journey of successful people, क्या option है filmmakers का है चाहे journalist का है, so they can interact with them. Similarly, we have a session with the doctors and आर्मी ऑफिसर्स, विल टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड जो हम लोग एक करियर रहता है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या आर्मी में जाना है, उनका एक सेशन सेपरेट है. सो दीज आर ऑल द एंड वेन वन सेशन वी हैव ऑन अप्रेंटिसशिप. देखिए अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट एवरी एस्टेब्लिशमेंट इज सपोज टू एंगेज अप्रेंटिस, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं कॉलेज के एंड इवन फॉर नॉन ग्रेजुएट एक अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, विच इज़ लाइक अ पेड इंटर्नशिप.
छः महीने आप वहाँ पे काम कर सकते हैं और आपको द इंडस्ट्री विल हैव टू पे यू मनी. सो एक पूरा सेशन अप्रेंटिसशिप पे है, चाहे वो बैंक्स हो चाहे वो हमारे होटल्स हो, बिग होटल्स हैं, दे आर सपोज टू टेक अप्रेंटिस. तो हम लोग चाह रहे हैं कि कल वो प्लेटफॉर्म पे हम स्टूडेंट्स एंड इंडस्ट्रीज को दोनों को साथ लाएं एंड प्लान इट आउट कि अप्रेंटिसशिप कौन देगा, कहाँ देगा, अपनी चॉइस के हिसाब से कौन स्टूडेंट्स लेना चाहेगा. So what about the schools from the rural background areas, like are they also being attending? देखिए हम लोगों ने कॉलेजेस को स्पेसिफिकली, हम लोगों ने ये जो लद्दाख एजुकेशन फेयर, दैट इज वाई इट इज इन कॉलेजेस, इट्स नॉट ओनली इन लेह एंड कारगिल. सो नुब्रा रूरल एरिया है, कजांस्कर, द्रास, जितना हम लोग रीच आउट कर सकते थे. तो 6 सेंटर्स में मेजर दिस फेस्टिवल हो रहा है. सो स्टूडेंट्स फ्रॉम दोज एरियाज आर इन्वाइटेड टू दोज पर्टिकुलर कॉलेजेस. सो हम लोग हमारे हिसाब से वी आर कवरिंग अ लॉट ऑफ रूरल एरियाज ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टोल्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ जी डी सी नुब्रा कि विद द हेल्प ऑफ आर्मी दे आर गेटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम फार ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग तुरतुक फॉर द एजुकेशन फेयर. सो आर्मी इज एक्सटेंडेड इट सपोर्ट. सो वी हैड रिक्वेस्टेड सर्टन काउंसलर्स ऑल्सो कि अगर आपके रीजन के कोई स्टूडेंट्स हैं जो आपको लगता है अभी कॉलेजेस में कवर नहीं है या छुट्टी पे घर गए हैं, हु कैन बी इन्वाइटेड, उनके लिए भी अगर आप ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सो प्लीज गेट देम टू द एजुकेशन फेयर. क्योंकि देर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन गैप्स जो हमारे यूथ में है, उसको कवर करने के लिए वी थॉट दिस इज द बेस्ट possible opportunity. Ma'am, for example, like in Changtang, there is no degree college for that students. Yeah. How we are approaching those students from Changtang? Changtang ka challenge tha definitely. So the Honorable EC had also spoken to me about this. Changtang ke kuch students to definitely covered hai colleges mein. Chahe wo Nubra college hoga, but mainly in EGM. So students who are already covered in colleges, unko hum target kar hi rahe. But there might be certain students or youth who are outside schools and education institutions who might have been left out. सो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे वेदर वी कैन हैव सम फैसिलिटी टू गेट देम टू द फेयर. शायद उसका पूरा अरेंजमेंट हम लोग का इस बार हो नहीं चुका है, वी कुड नॉट डू इट. बट फॉर नेक्स्ट ईयर, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एन एनुअल अफेयर नाउ, सो नेक्स्ट ईयर वी विल एंश्योर दैट वी आर एबल टू कवर इन एवरी एरिया. सो 2 डेज एनफ फॉर दिस एजुकेशन फेयर, आई मीन इज इट बिग थिंग? सो देखिए आई वाज कीन ऑन 3-4 डेज, बट ये पहला एजुकेशन फेयर है, वी विल हैव टू सी हाउ मच the youth are responding to it. क्योंकि अरेंजमेंट्स हम लोगों ने एक्सटेंसिव किया है, अगर आप लोगों ने जाके चेक किया होगा, आई गॉट फोटोग्राफ्स फ्रॉम ऑल ओवर द कॉलेजेस, एक्सटेंसिव अरेंजमेंट्स हुए हैं. अगर स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स अच्छा है, आई हैव रिक्वेस्टेड कॉलेजेस की प्लीज एक्सटेंडेड फॉर अनदर डे, दैट विल डिपेंड. बट इस साल अगर बहुत रिस्पॉन्स अच्छा है, नेक्स्ट ईयर विल ट्राई टू हैव इट फॉर 3 डेज परहैप्स, अगर हमें लगता है कि रिक्वायरमेंट है 3 डेज की. Thank you.